वेलकम टू इंडिया स्टडी 351। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ ऑल पोस्ट सैलरी के बारे में। ठीक है, बीएसएफ के अंदर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो किस पोस्ट पे आपको कितनी सैलरी मिलेगी, इसके बारे में इस वीडियो में हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीएसएफ सैलरी चार्ट। ठीक है दोस्तों, इसका अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में यहाँ पे रैंक रहेगा, पे स्केल रहेगा, ग्रेड पे कितना मिलता है वो रहेगा, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यानी टोटल उनको कितना मिलता है सैलरी पर मंथ वो रहेगा। ठीक है, लास्ट में तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में यहाँ पे डायरेक्टर जनरल है, तो डायरेक्टर जनरल का ठीक है सीधा जो यहाँ पे 1,20,000 की सैलरी यहाँ पे मिलती है 120K। ठीक है, 1,20,000 की सैलरी यहाँ पे मिलती है डायरेक्टर जनरल के। ठीक है, ग्रेड पे वगैरह सब लेकर अब देखिए स्पेशल डायरेक्टर जनरल तो इनका जो होता है 37,400 से लेकर 67,000 तक इनका पे स्केल रहता है। ठीक है, और 12,000 इनको ग्रेड पे मिलता है, और टोटल जो इनको मिलता है 1,05,000 इनको मिलता है पर मंथ स्पेशल डायरेक्टर जनरल के। ठीक है, उसके बाद देखिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल, तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल को इसका जो पे स्केल रहता है वो 37,400 से लेकर 67,000 तक रहता है। ठीक है, और इनका भी ग्रेड पे रहता है। ठीक है, 1,200, और उनका जो मिलता है टोटल वो 1,05,000 इनको मिलता है। इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है, तो इंस्पेक्टर जनरल का देखिए इनको यहाँ पे ग्रेड पे रहता है 10,000, और इनको जो टोटल मिलता है वो 95K मिलता है। ठीक है, यानी 95,000 मिलता है। ठीक है, पर मंथ का। अभी देखिए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल का जो पे स्केल रहता है ठीक है वो 37,400 से लेकर 67,000 तक रहता है, और इनको जो मिलता है ग्रेड पे पे 8,900 रुपये मिलता है, और इनको टोटल जो मिलता है वो 85,000 रुपये मिलता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल का। उसके बाद देखिए कमांडेंट, कमांडेंट को जो मिलता है उनका जो पे स्केल रहता है वो 37,400 रहता है। ठीक है, 37,400 से लेकर 67,000 तक रहता है, और इनका जो ग्रेड पे रहता है वो 87,100 रहता है, टोटल इनको 82K मिलता है। ठीक है, 82,000 मिलता है। उसके बाद देखिए सेकेंड इन कमांडेंट, सेकेंड इन कमांडेंट जो होता है उनको जो है 15,600 से लेकर 39,100 तक रहता है पे स्केल। ठीक है, और इनको ग्रेड पे 7,600 रुपये मिलता है, टोटल इनको 73,000 मिलता है पर मंथ। ठीक है, देखिए डिप्टी कमांडेंट का, डिप्टी कमांडेंट का जो होता है वो 15,600 से लेकर 39,100 तक रहता है, और 6,600 रुपया जो है उनको ग्रेड पे भी मिलता है, और यहाँ पे 65,000 रुपया उनके हैंड में जाता है बैंक अकाउंट में, पूरा 65,000 का मंथली उनको मिलता है। अब देखिए असिस्टेंट कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट का 15,600 से लेकर 39,100 तक रहता है, और ग्रेड पे इनका 5,400 रहता है, और टोटल जो इनको मिलता है वो 52,000 मिलता है असिस्टेंट कमांडेंट का। अभी उसके बाद देखिए सूबेदार मेजर, तो सूबेदार मेजर का जो रहता है वो 9,300 से लेके 34,800 तक रहता है सूबेदार मेजर का, ग्रेड पे 4,800 रहता है, और इनको जो टोटल मिलता है वो 45,000 मिलता है। इंस्पेक्टर का देखिए, इंस्पेक्टर का जो रहता है 93,000 से लेके 34,800 तक रहता है, ग्रेड पे 4,600 रहता है। ठीक है, और टोटल जो इनको मिलता है वो 40,000 पर मंथ मिलता है इंस्पेक्टर का। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर देखिए सब इंस्पेक्टर, तो सब इंस्पेक्टर का जो रहता है वो 9,300 से लेकर 34,800 तक रहता है, ग्रेड पे 4,200 रहता है, और इनका मंथली जो रहता है वो 35,000 का मिलता है सब इंस्पेक्टर का। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इनका देखिए, इनका जो रहता है 5,200 से 20,000 रहता है ग्रेड पे स्केल। ठीक है, ग्रेड पे रहता है इनका 2,800, और इनको जो मिलता है वो 31,000 मिलता है। अभी देखिए हेड कांस्टेबल, तो हेड कांस्टेबल जो होता है उनको मिलता है 5,200 से लेकर 20,000 तक इनका रहता है पे स्केल, ग्रेड पे 2,400 मिलता है, और टोटल इनको 27,000 का मंथली मिलता है हेड कांस्टेबल को। अभी देखिए कांस्टेबल, तो कांस्टेबल का 5,200 से 20,000 इनका भी रहता है पे स्केल, ग्रेड पे इनको 2,000 मिलता है, और टोटल इनको 23,000 का मंथली मिलता है कांस्टेबल का, बीएसएफ कांस्टेबल का। उससे नीचे होता है इनरोल फॉलोवर का, तो इनका जो रहता है 44,000 ठीक है सॉरी 4,440 से लेकर 7,440 तक पे स्केल रहता है, 1,300 इनको मिलता है ग्रेड पे, और टोटल जो इनके अकाउंट में 18,000 जाता है। तो दोस्तों इतना सारा पोस्ट था बीएसएफ के अंदर जिसके बारे में हमने आपको सैलरी के चार्ट बताया है। ठीक है, किस पोस्ट पर कितना सैलरी मिलता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको इसी तरह के वीडियो देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाद जय हिंद जय भारत।